है पीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जितना भी दर्शक होंगे और मेरा जितना भी फ्रेंड्स होंगे और जितना भी आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, उन लोगों के लिए आज जिस वीडियो को मैं इस चैनल पे, मेरा रेलवे मैकेनिकल इन्फो चैनल पे देंगे, ये आपका एक कीमती वीडियो बनेंगे। इस वीडियो आधारित होंगे जो कि मेरा जब सेक्शन में ट्रेन चलता है, रनिंग ट्रेन में जो ट्रबल शूटिंग होते हैं, ट्रेन एक डिपो से चलते हैं और दूसरा डिपो तक पहुंचने का अंदर में जो ट्रबल शूटिंग होते हैं, वो ट्रबल शूटिंग मेरे जितना भी CNW भाई लोग अटेंड करते हैं उसी के ऊपर में आधारित ये ट्रबल शूटिंग होंगे। और मैं आज जिस पार्ट्स को मैं दिखाएंगे वो आपका शायद इस वीडियो को ही आज तक यूट्यूब में आप लोगों को दिया नहीं। और इस वीडियो में मैं ये जानकारी देंगे कि आप लोग शायद जो मैं ट्रबल शूटिंग बोलेंगे उसके ऊपर आप लोग जूझ चुके होंगे। और मेरे चैनल पे बहुत सारा आदमी ये ट्रबल शूटिंग के लिए जानने के लिए मुझे बहुत सारा आदमी फ़ोन भी करते हैं और ये वीडियो आप लोग कहीं शायद नहीं मिल पाएंगे। सेक्शन में जब गाड़ी चलते हैं तो उस दौरान आप लोग जानते हैं कि गाड़ी में जो ऑसिलेशन होते हैं, मेरा पार्ट्स कुछ लूज होकर खुल जाता है। या तो ये देखिए 28 mm के एक कैप है, एक नट दिख रहा है आपको, इस नट का देखिए इधर आपका सील किया हुआ, और ये आउटर डाया जो है इनके आपका 32 mm के, लेकिन अंदर में इसके जो स्टील पाइप का अंदर में मेरा जब लगते हैं थ्रेड होते हैं ये 28 mm के, ये आपका देख सकते हैं ये 28 mm के कैप है। इस कैप आप लोग शायद, आप लोग जितना भी मेरा CNW भाई लोग हैं, ये कैप शायद आपका पास सप्लाई होंगे, आपका डब्बा में होंगे, और आप लोग इसके इस्तेमाल कब कहाँ करेंगे इसके ऊपर में शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है। मैं इस वीडियो में आज पूरा इनके कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है इनके ऊपर में मैं वीडियो बना रहा है। मेरे चैनल पे कोई ये चीज़ डिमांड किया है जानकारी उनके लिए, कल ही मेरे पास एक झाड़सुगुदा से कोई सुपरवाइजर मुझे फ़ोन किया रहा कि किसी परिस्थिति में कुछ होने से तो मैंने इसका भी जो प्रबंध है आप लगा सकते हैं, गाड़ी को मेरा कम टाइम में उस गाड़ी को फिट करके आपको सेक्शन में क्लियर करना है। तो ये आप लोग देख लीजिए अभी इसी के ऊपर में मैं कहाँ कहाँ लगता है, क्यों लगता है। LHB के रेक जब लाइन में आपका चलते हैं उस दौरान इस तरीके कुछ ट्रबल शूटिंग होते हैं, और उस दौरान मेरा CNW स्टाफ ने कुछ काम करते हैं, और किस तरीके से काम करते हैं कोई शायद इस वीडियो में समझ पाएंगे। और आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सोच नहीं पाते हैं तो इस वीडियो देख लीजिए, देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं जिस डैमी को दिखाया है ये आपको प्रेशर जो है, ये देखिए एक AP पाइप और एक BP पाइप, आप लोग जानते हैं कि इंजन के साथ में AP पाइप BP पाइप जो है इनमें से दो पाइप का प्रेशर आपको इस ट्रेन में सप्लाई जाता है, और ब्रेक सिस्टम के लिए वही लोकोमोटिव से उनका मैनेजमेंट होता है। ये जो पाइप देख रहे हैं एंगल कॉक के साथ में, ये 32 mm के आपका मेटल पाइप है, आयरन पाइप है, ये थ्रेडेड जॉइंट। ये BP AP के दोनों जो आपका पाइप आए हैं, देखिए थोड़ा बाद में इस जगह में देखिए स्ट्रेट जॉइंट है, जो कि मेरा राइट साइड में जो आप एक नट देख रहे हैं वो मेटल पाइप का साथ में है, और आप जो पाइप आपका इस तरीका से ये जो नट दिख रहा है इस तरफ में वो आपका ये स्टील पाइप, मतलब ये इस तरफ का 28 mm का स्टील पाइप इसके बाद में शुरू हुआ, इसमें फेरुल जॉइंट होते हैं। अभी देखिए उस एंगल कॉक से ये जो दो पाइप आए हैं, एक पाइप इधर, एक देखिए स्ट्रेट जॉइंट है 28 mm के, ये BP AP में इस तरीके के स्ट्रेट जॉइंट और बीच में कहीं ना कहीं होंगे। अब ये पाइप आपका ऊपर से स्ट्रेट जॉइंट बीच बीच में होते हुए
आपका इस तरीका से आपका डीबी पैनल बोर्ड है, तो ब्रांच पाइप जहां भी जाने का है इसके बाद में उस एंगल को तो वो चले जाएंगे। ये पाइप मेरे पीछे से आए हैं और इस तरफ देखिए पाइप मेरा चले जा रहे हैं आपका फ्लोर में अंडर फ्रेम के साथ में उस तरफ एंगल कॉक में, लेकिन बीच में देखिए ये डीवी के जो पैनल बोर्ड बैक साइड है इसमें आप लोगों को ये देखिए ये आपका एपी का टी ज्वाइंट है 28x28x28 और एक बीपी के टी ज्वाइंट है ये देखिए ये 28x28x28 के ये आपका ब्रेक पैनल बोर्ड में आपको सप्लाई जा रहे हैं। इस बीच में देखिए स्टील पाइप यूज किया है, उस बीच में एक स्टील पाइप यूज किया है। एपी पाइप आपका डीवी में मेन पाइप से ब्रांच पाइप होकर डीवी पैनल बोर्ड जा रहा है, इधर फेरूल है और इधर फेरूल है, और बीपी के भी ये जो टी ज्वाइंट है इधर फेरूल है इधर फेरूल है। अभी मैं आप लोगों को बताएंगे कि एपी 10 पाइप में काउ रन ओवर होने के बजाय से पकड़ लीजिए ये पाइप, या तो कोई भी कारण से इस डीवी पैनल बोर्ड का इस तरह में आइसोल्डिंग कॉक में दिखाएंगे, आइसोल्डिंग कॉक के आगे में कहीं ब्रेकेज हुआ है ब्रोकन हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यही बताएंगे कि उस तरफ से कोई लीक आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप टूटा होने से भी आप एक काम करने आपको पड़ेंगे कि इधर और इधर ये दोनों को खोल दीजिए फेरूल सेट को, और इस जगह में ये जो नट है इस नट का इस जगह में सेट कर दीजिए, ये आपका इधर से प्रेशर इस तरफ जाएंगे नहीं और आपका लीक भी बंद हो जाएगा, लेकिन गाड़ी सिंगल पाइप वर्किंग होंगे। सिंगल पाइप वर्किंग बोलने से मतलब गाड़ी टोटल रेक सिंगल पाइप नहीं होंगे, कोच सिंगल पाइप में जाएंगे, लेकिन इस कोच में ब्रेक जो है सिस्टम उनके भी आप डीवी पैनल बोर्ड से सिंग इसमें एपी प्रेशर नहीं आएंगे तो सिंगल पाइप ये ब्रेक बेंडिंग सिम्टमिंग होंगे क्योंकि बीपी प्रेशर इसमें आ रहा है आपको पाइप में दिखाया, तो आप क्या करेंगे इस ब्रेक इसको आपको ब्रेक लेस कर देने पड़ेंगे, तो उसके लिए BC1 BC2 आइसोलेट कर दीजिए। आप उधर जब आप ये डैमी कैप लगाए हैं तो ये एपी का जो आपका आइसोलेटिंग कॉक होंगे उसमें तो प्रेशर आएंगे नहीं, आप उसको ऑन रख सकते हैं या तो ऑफ रख सकते हैं, लेकिन आपका डीवी पैनल बोर्ड इसमें ब्रेक लेस करने के लिए डीवी आर चार्जर हैंडल भी उठा दीजिए। ये जो पार्ट अभी आपको दिखाया जहाँ से वो आपका एपी प्रेशर का पाइप टूट गया था, या तो इस तरफ से ऐसी लीक हो रहे थे कि आप एपी के आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट किए थे लेकिन फिर भी वो लीक रुका नहीं, मतलब आपको समझने पड़ेगा कि मेन पाइप आपका ब्रांच पाइप में प्रॉब्लम हुआ है और ये आप डैमी कैप जो है मैं जिस जगह में लगाया है उस जगह इसको लगा दीजिए, प्रेशर इस तरफ और डीवी पैनल बोर्ड में आएगा नहीं और गाड़ी सिंगल आपका एपी प्रेशर बिना इस डीवी बोर्ड में रहेंगे, लेकिन आपको उस दौरान बीपी प्रेशर का आइसोलेटिंग कोई कॉक नहीं होता, उसीलिए आपको BC1 BC2 ये दोनों को आइसोलेट कर दीजिए और एयर चार्जर हैंडल डीवी का इसको उठा दीजिए, टोटल गाड़ी ब्रेकलेस कर दीजिए। एपी के जो इधर सप्लाई या ब्रांच इस तरफ कुछ खराब होने से एपी प्रेशर आप इधर से डैमी कैप लगाए हैं तो आप सवाल कर सकते हैं मैं डैमी कैप नहीं लगा के मैं अगर एक्सटेंशन पाइप मतलब AP to AP जो बाईपास होते हैं वो बाईपास मैं लगा सकते हैं, मैं बोलूँगा हाँ लगा सकते हैं, लेकिन एक टाइप का गाड़ी होता है जो कि उस गाड़ी में प्रॉब्लम होगा उसको भी मैं दिखाएंगे कि गाड़ी 60 km/h अंडर गिर जा सकता है उसीलिए, और ये आपका डैमी कैप लगाने में क्या है आपको टाइम कम होंगे, एक्सटेंशन पाइप लगाने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको जो सुविधा होगा वो सुविधाएँ आप कर सकते हैं, लेकिन ये एपी प्रेशर के लिए एक्सटेंशन पाइप लगाने से इस गाड़ी में कोई एपी प्रेशर नहीं रहेंगे, लेकिन अगर ये डैमी आप लगा सकते हैं तो इस गाड़ी में एपी प्रेशर रन करेंगे, मतलब आपको और एक कॉज दिखाएंगे कि इसलिए मैं बोल रहा है कि उस टाइप का गाड़ी में अगर ये कर सकते हैं तो इसी में आपको बेटर होंगे। जो ये कैप लगाने के लिए एडवाइस किया है और आप एक्सटेंशन पाइप लगाने के लिए बोल रहे हैं,
ये कैप आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, एक्सटेंशन पाइप लगा सकता है वो गाड़ी। अगर इस टाइप का स्प्रिंग आपका बोस्टा स्प्रिंग में होंगे तो आप एक्सटेंशन पाइप लगा सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में मेरा एपिपेशन नहीं चलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कहीं अगर रेक होता है तो उसमें स्प्रिंग सिस्टम बोस्टर में रहते हैं और बेलो एयर बेलो सिस्टम रहता है। तो मैं अभी आप लोगों को जाएंगे दूसरा नंबर पॉइंट, जो एयर बेलो में अगर आप एक्सटेंशन पाइप उसी गाड़ी इफेक्टिव गाड़ी अगर एयर बेलो होते हैं तो एक्सटेंशन पाइप लगा देने से क्या होंगे और ये लगाने से आपको क्या सुविधाएं होंगे। अभी मैं एक एयर बेलो बोस्टर सिस्टम में एयर बेलो गाड़ी में आया है और उसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सटेंशन पाइप अगर इस कोच इफेक्टिव कोच में अगर एक्सटेंशन पाइप लग जाता है तो गाड़ी 60 km/h हो जाएंगे। हमको अगर ये लगाते हैं तो मेरा गाड़ी 60 km/h नहीं होंगे। तो चलिए देख लीजिए क्यों और नहीं होंगे 60 km/h। सिस्टम गाड़ी है और आपका ये पाइप फट गए थे, ये पाइप ब्रोकन हुआ है, तो इस तरह मैं जो एक्सप्लेन किया है और मैंने बोल रहे कि इस जगह में ये नट को खोलकर और नट को खोल कर इस जगह में आप इस कैप को लगा देने से ये आपका एपी पेसर इस गाड़ी से आपको इस तरफ का एंगल कॉक से उस तरफ एंगल कॉक चले जाएंगे, इस गाड़ी में एपी पेसर रहेंगे। लेकिन डीवी पैनल बोर्ड आपको काम नहीं करेंगे, डीवी पैनल बोर्ड में ब्रेक सिस्टम आपको अप्लाई नहीं होने के लिए आइसोलेट कर देंगे। तो आप बोल रहे थे कि मैं इनके चलते एक्सटेंशन पाइप लगा सकता है, मैं बोल रहा हाँ लगा सकते थे लेकिन स्प्रिंग गाड़ी में, लेकिन इस गाड़ी में आप लगा नहीं सकते। देखिए आप जहाँ एक्सटेंशन ये जो टी ज्वाइंट देख रहे हैं, इसके बाद में एक टी ज्वाइंट आपको दिख रहा है, ये टी ज्वाइंट 28 28 नीचे में जो पाइप आ रहा है ये एयर बेलो सप्लाई लाइन, देखिए ये 150 लीटर सप्लाई लाइन। तो आप अगर एक्सटेंशन पाइप लगा देते हैं तो इस पाइप में और कोई प्रेशर एपी प्रेशर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये गाड़ी बाईपास हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा गाड़ी से एपी प्रेशर और दूसरा गाड़ी में चले जाएंगे। लेकिन एयर बेलो गाड़ी में अगर इफेक्ट हुआ तो आप अगर इस कैप को पहना देते हैं तो मेरा ये पाइप में एपी प्रेशर रन करेंगे और इसमें भी मेरा एपी प्रेशर रहेंगे और मेरा एक एयर बेलो सिस्टम में सप्लाई भी चालू रहेंगे, मतलब गाड़ी 60 km/h से अवॉइड हो जाएंगे, गाड़ी परमिसेबल km/h में चलेंगे। लेकिन इस एयर बेलो सिस्टम गाड़ी में अगर आप एक्सटेंशन पाइप लगाते हैं तो गाड़ी 60 km/h, समझ में आए होंगे। तो चलिए अभी शायद समझ पाए होंगे कि एयर बेलो गाड़ी रहने से ये डैमी कैप लगाना जरूरी है उस जगह में अगर उस तरीके कुछ फॉल्ट होते हैं, और अगर इस जगह में स्प्रिंग रहता है सिस्टम के बोस्टर तो आप एक्सटेंशन पाइप भी लगा सकते हैं और इसको भी आप डैमी कैप को भी उस जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग में कोई km/h नहीं गिरेंगे। अगर एयर बेलो सिस्टम के कोई गाड़ी होता है तो उसमें अगर एक कैप नहीं पहना के आप अगर एक्सटेंशन पाइप लगा देते हैं तो उस गाड़ी में पूरा रेक में आपको 60 km/h में वो ट्रेन को चलाना आते हैं कि एपी प्रेशर का ऊपर में ही। तो देखिए इधर एक प्रेशर स्विच है, ये पैनल बोर्ड है, इसमें आपका आइसोलेटिंग कॉक है एपी का, पीछे में आपको दो ऑक्सिलरी रिजर्वर है ब्रेक सिस्टम के लिए 75 125, उसमें ड्रेन कॉक है। अगर ये मेरे इस सिस्टम में कहीं भी कुछ ब्रेक हुआ ब्रोकन हुआ तो एक हिसाब से आपको ये आइसोलेटिंग कॉक एपी का जो मिलता है, देखिए आइसोलेटिंग कॉक एपी का जो मिलता है, इसके बाद में ये जो ऑक्सिलरी रिजर्वर इसका सप्लाई होता है और होना भी चाहिए। लेकिन प्रेशर स्विच का जो प्रेशर जो आते हैं ये डायरेक्ट आते हैं, ये प्रैक्टिकली मेरा पास में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर इस डीवी पैनल बोर्ड में प्रेशर स्विच के साथ में अगर कुछ ओपन हो जाता है, इधर से लीक होता है, तो ये आइसोलेटिंग कॉक के बाद में अगर इसका सप्लाई लाइन रहता है तो ये आइसोलेटिंग कॉक बंद करने से इसका प्रेशर बंद हो जाना चाहिए सेक्शन ट्रबल शूटिंग में। लेकिन इसमें बंद नहीं हुआ, तो आपको समझने पड़ेंगे कि ये आइसोलेटिंग कॉक के बाद में नहीं है, डायरेक्ट लाइन में है। तो आप उस जगह में इस कैप को पहनाएंगे और एक प्रेशर स्विच
का लिए उसको अगर पहनाते हैं तो आपको क्या होगा, डीबी पैनल बोर्ड में एपी का सप्लाई नहीं आएंगे और उस दौरान गाड़ी आपका कोई कैंपियज अंडर नहीं आएंगे, लेकिन गाड़ी में आपको ब्रेक लेस करना पड़ेगा, मतलब BC 1 2 दोनों का आइसोलेट करके इस गाड़ी में ब्रेक नहीं रहे, लेकिन गाड़ी लाइन से डिटैच नहीं होंगे, गाड़ी रेक में ही चलेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। उस दौरान एक चीज़ आपको ध्यान करना पड़ेगा, अगर प्रेशर स्विच ब्रोकन हुआ है, इधर से बहुत सारा प्रेशर आया है और ड्राइवर ने अगर बोलेंगे कि मेरा प्रेशर ट्रबल हुआ है तो आपको इसको बंद करना ही पड़ेंगे, तो आप जान लीजिए कि फेबली वाला जो होते हैं उस फेबली वाला में एपी प्रेशर 1.6 इसमें रन करने से, ये मेरा WSP सिस्टम का प्रेशर स्विच है, WSP सिस्टम के एक पार्ट है ये काम करने के लिए, और इधर से प्रेशर स्विच मतलब बोलने से प्रेशर को कोई स्विचिंग सिस्टम करता है, ऑन ऑफ कुछ करता है, इसीलिए इसको रखा गया, इसके अंदर में प्रेशर आता है, एपी प्रेशर नॉर होने से इसमें बीपी प्रेशर आते हैं, तो आपको डीबी पैनल बोर्ड नॉर या फेबली है या तो स्कॉट है ये देखना पड़ेगा, अगर इस तरीके कुछ हुआ तो ये डैमी कैप आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपका गाड़ी अगर रियर वेलो सिस्टम हुआ तो एपी प्रेशर को बंद करने से एक्सटेंशन पाइप से 60 केएमपीएच अंडर गिर जाता है। अभी मैंने एपी प्रेशर के ऊपर में ये डैमी कैप लगाने के लिए आप लोगों को मैं एडवाइस किया हूँ, और ये 28 mm के जो डैमी कैप होता है और बहुत सारा जगह में इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप बीपी प्रेशर में भी आप देख सकते हैं कि आपको दिखाए होंगे कि टी ज्वाइंट जो है ये 28 के टी ज्वाइंट है। देखिए काम करने के टाइम में आप लोगों को मैं एडवाइस करता है, लेकिन काम करने के टाइम में आप लोगों को थोड़ा से ध्यान से काम करना चाहिए और सोच विचार करने का चाहिए कि इस गाड़ी 60 kph कैंपियज अंडर नहीं गिरने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये वाइटल पार्ट आपके पास में रखे हैं एपी प्रेशर के ऊपर। अब मैं बीपी प्रेशर के ऊपर मैं बोल रहा है कि देखिए बीपी प्रेशर के लिए इधर कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं है, जैसे कि एपी प्रेशर के लिए आइसोलेटिंग कॉक है, और आइसोलेटिंग कॉक दोनों जानते हैं कि ये ब्रेक सिलेंडर को जब ब्रेक एप्लीकेशन होता है, ये BC 1 BC 2 आइसोलेट करने के लिए, मतलब ब्रेक को मेरे को इनर ऑपरेटिव करने के लिए, डीएक्टिव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और एक टॉयलेट के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक होता है, लेकिन बीपी प्रेशर के लिए कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं है। अभी मान के चलिए कि देखिए ये फिल्टर है दोनों, ये फिल्टर में एक बीपी फिल्टर है एक एपी फिल्टर है, एक केस आए थे, ये बीपी फिल्टर का नीचे पार्ट में इधर आपका एक डिश है, ये डिश गिर गया था प्रेशर आने से, बीपी प्रेशर जब मेन लाइन से आए तो गिर गया था, हो सकता ये एपी प्रेशर जब इनके अगर ये फिल्टर फेल्योर होता है तो आइसोलेटिंग कॉक ऑफ करने से ये प्रेशर बंद हो जाएंगे, अगर ये प्रेशर बंद नहीं होता है तो ये कैप आप उधर लगा सकते हैं, लेकिन बीपी प्रेशर वो डायरेक्ट लाइन से इधर आते हैं, इसके लिए कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं है, ये अगर इनके फिल्टर का अगर नीचे में पार्ट जो है गिर जाता है यह तो मिसफिटिंग के लिए, तो इसके इधर से पूरा बीपी प्रेशर फॉल्ट होंगे और गाड़ी में बीपी प्रेशर रेडी नहीं होंगे, जो कि मेरा ब्रेक सिस्टम के लिए 5 kg/cm² का हवा रेडी होता है वो नहीं हो पाएंगे गाड़ी में, मतलब ब्रेक का सिस्टम फेल्योर हो जाएंगे। तो उस दौरान आप क्या करेंगे, आपका पास मैं बोल रहा है कि ये कहाँ लगाएंगे, और आप उस दौरान इस गाड़ी में आपको बाईपास जो है BP to BP का जो मेरा 25 m का 26 m का पाइप रहते हैं वो एक्सटेंशन पाइप आप लगा सकते हैं, लेकिन टाइम फैक्टर आपका एक बड़ा बात होता है कि आप अगर एक एक्सटेंशन पाइप इस तरफ से लेकर और उस तरह में लगाएंगे जो टाइम आपका जाएंगे, और मैं अगर इस कैप को एक जगह में पहना सकता है तो ये टाइम अगर कम होंगे तो मेरे को सेक्शन में ट्रबल शूटिंग कम टाइम पर डिटेंशन जैसी ना हो है ज़्यादा उसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा, तो इसके लिए मेरा हिसाब से ये आसानी होंगे, और एक पाइप का कीमती है क्योंकि उसके जो कॉस्ट होते हैं बहुत हज़ारों रुपया होते हैं और इनके जो कॉस्ट होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि मेरा पाइप तो गाड़ी का साथ में चले जाएंगे, अगर रिटर्न नहीं आते हैं मेरा सेक्शन में तो ये मेरा डिपार्टमेंट में मेरा सेक्शन में लॉस होंगे, लेकिन एक कैप अगर एक जाते हैं तो इनके कॉस्ट ज़्यादा होंगे तो 50 रुपया होंगे 100 रुपया होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, ये मुझे मिला और नहीं मिला इसके लिए टेंशन नहीं होता। चलिए अभी मेरा बीपी फिल्टर का इधर फेल्योर हो गया और ये प्रेशर मेरा इधर से निकल जा रहा है, इसके लिए
मेरा प्रेशर ट्रबल शूटिंग हो गया एन रूट में, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था और मैं गाड़ी को काट भी नहीं सकते हैं, इसी के ऊपर में मेरा ऑपरेशन है। तो चलिए मैं दिखा रहा है ये डैमी आप कहाँ लगा सकते हैं और कम समय में भी होगा। ये जो डीवी पैनल बोर्ड में 7 पाइप दिख रहे हैं, इसमें आपको इधर दिखाया है ये जो टी जॉइंट है एपी के, और ये इनपुट हो रहा है बीपी प्रेशर आपका डीवी पैनल बोर्ड में। इधर देखिए एक टी जॉइंट 28 का है, 28 का उधर एक फेरूल है, इधर एक फेरूल है। आप इसको खोल दीजिए, उसको खोल दीजिए, खोलने के बाद में आप इसको इस जगह में लगा दीजिए। तो इस जगह में अगर आप लगा दिया है तो ये जो आपका उधर प्रेशर फॉल्ट हो रहा था, इस जगह में प्रेशर आपको रुक जाएंगे और ये प्रेशर आपको 10 पाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे इस कोस से दूसरा कोस तक। आपको टाइम कम होंगे इसी में, लेकिन आप अगर बाईपास करते हैं तो बहुत समय जाएंगे, क्योंकि पाइप उधर से बांधने पड़ेंगे और अंदर अंदर में उस तरफ को लेके जाने पड़े, 20 से 30 मिनट आपको टाइम कवर होगा। लेकिन आप ये दो नट खोलने के बाद में इसमें इसको फिट कर दीजिए तो आपको टाइम बहुत ही, अगर कोई भी प्रॉब्लम में होता है तो इस तरीके की कुछ भी इस तरफ भी लग सकते हैं, इस तरफ भी लग सकते हैं, लेकिन आपका काम का फॉल्ट के ऊपर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बीपी और एपी जो कि 28 mm के जो पाइप होते हैं उसके ऊपर। इस तरीके कैप लगाते हैं इस पैनल बोर्ड में बीपी प्रेशर सप्लाई बंद हो जाएंगे, उसीलिए आपको इस पैनल बोर्ड में इस गाड़ी और ब्रेक सिस्टम काम नहीं करेंगे। तो आपको उसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैनल बोर्ड में BC12 एयर चार्जर हैंडल डीवी का इसको उठा देना, एपी को बंद कर देने पड़ेंगे इधर से, और टॉयलेट सिस्टम तो आगे से बंद रहता है, जो भी करना है ये पैनल बोर्ड आपको काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरा गाड़ी इस गाड़ी में ब्रेक नहीं लगे, बाकी सभी गाड़ी में मेरा ब्रेक लगने का सिस्टम बन गया, और लेकिन मेरा टाइम भी कम होता है कि ये जो ब्रेक एक्सीलेटर देख रहे हैं इसके सप्लाई लाइन में ये 28 के पाइप है और इसके फेरूल इसी में, और जो भी नट लगे है यही नट उसमें भी लगा हुआ है। तो इसमें देखिए ये अगर कुछ प्रॉब्लम करता है भाल तो आपको इस पाइप से लेकर सामने में एक आइसोलेटिंग कॉक मिलेंगे, इस तरफ कुछ प्रॉब्लम होने से आप ये आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर सकते हैं तो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इधर देखिए मेन पाइप से ब्रांच पाइप आए हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये इधर से लेकर उस पोर्ट पर टी ज्वाइंट तक, ये टी ज्वाइंट 28 के ही है। अगर इस पाइप में कुछ लीकेज हो गया और उसके लिए ट्रबल शूटिंग हो गया प्रेशर के, तो आपको क्या करना है उस मुंह और इस मुंह को खोलना पड़ेगा और ये कैप आप उस इस मुंह में लगा दीजिए। लगा देने से आपका इस तरफ का प्रेशर का जो डिस्ट्रॉय हो रहा था वो बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, गाड़ी में एज इट इज बीपी प्रेशर रन कर जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पोर्ट मैं दिखा रहा है ये चेन पुल के पोर्ट है, ये जो है ये वाल्व है ACP चेन पुल अलार्म चेन वाल्व है, इधर से हवा निकलते हैं जबकि कोई गाड़ी में चेन पुल होता है। इसका कनेक्शन जहां होता है देखिए, देख सकता है इधर एक टी ज्वाइंट है, एक टी ज्वाइंट बीपी पाइप से मेन पाइप से सेम आपका 28 के टी ज्वाइंट है। इस टी ज्वाइंट में आपका देखिए एक पार्ट में आइसोलेटिंग कॉक लगा है और उसके बाद में ये वाल्व लगा है। तो ये वाल्व तरफ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये आइसोलेटिंग कॉक को बंद करने से इस तरफ का प्रॉब्लम क्लियर होगा, लेकिन आइसोलेटिंग कॉक का उस तरफ में और मेन पाइप का से ब्रांच पाइप का उस तरफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पाइप ब्रोकन हो गया, क्रैक हो गया, इधर से बीपी प्रेशर निकल रहा तो गाड़ी में ब्रेक लग गया। तो आप उस जो टी ज्वाइंट दिख रहा है मेरा ये जो कैप है देखिए स्ट्रेट वाला जो वो तो रनिंग कंडीशन आपको मेन पाइप टू मेन पाइप भी जा रहा है, लेकिन ये टी ज्वाइंट जहाँ ब्रांच मेरा निकला है इधर 28 mm के, ये कैप उस जगह में लगा दीजिए और उसके लिए आपको इस तरफ का आइसोलेटिंग कॉक का इस तरफ का जो नट है इसको खोलना पड़ेगा फेरूल पॉइंट, और उधर टी ज्वाइंट में जो लगा हुआ है इस तरफ जो ब्रांच में आया है उसको भी खोल दीजिए, ये पाइप आपको अलग हो जाएगा और उस मुँह में आप ये कैप को लगा दीजिए, मुंह डमी कर दीजिए, उसके प्रेशर इस तरफ आएंगे नहीं, आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं लास्ट आपको जो इसके इस्तेमाल दिखाएंगे या आप लोगों को मैं बीपी प्रेशर के ऊपर मैं दो दिखाया है, एपी प्रेशर के ऊपर दो दिखाया है और एक, जबकि ट्रेन इस तरह के चलते हैं और
कुछ भी प्रॉब्लम लास्ट व्हीकल में, जबकि आप लोग जानते हैं कि लास्ट व्हीकल कुछ भी होगा उसको ब्रेक माने ब्रेकिंग सिस्टम अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब वो गाड़ी अगर ब्रेक पावर लेस होंगे तो गाड़ी लाइन में चलने के लिए फिट नहीं होते हैं। तो मतलब मेरा लास्ट व्हीकल जो होता है एक ट्रेन में एक कोच में लास्ट व्हीकल में मेरा ब्रेक लगना चाहिए, बिना ब्रेक लगने से उस गाड़ी चलेंगे नहीं, चलना नहीं चाहिए एज पर रूल आपको रेलवे बोर्ड का। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पकड़ लीजिए यही गाड़ी वो लास्ट व्हीकल है, ठीक है, ये गाड़ी आपका लास्ट व्हीकल है, प्रेशर इंजन आपको उस तरफ से लगा हुआ है और उसके एक क्रैक जो होता है आपको उस दौरान देखना पड़ेगा कि क्रैक जो है वो क्रैक या तो ब्रोकन पाइप कहाँ से ब्रोकन हुआ। देखिए प्रेशर इस तरफ से आ रहा है तो मेरा सप्लाई लाइन इस तरफ से आ रहा है, अब ब्रोकन हुआ है इस तरह सामने में तो मेरा पास कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी तभी ऑप्शन बनेंगे जबकि इस गाड़ी में जो भी आपका कनेक्शन ये पार हो गया डीवी पैनल बोर्ड या तो आपका बाकी कुछ भी पार्ट्स है। देखिए ये ब्रेक एक्सीलेटर मस्ट नहीं है और उस दौरान आपका चेन पुल का जो है वो उस तरफ में गया है वो भी मस्ट नहीं है उस दौरान, क्योंकि मुझे सेक्शन क्लियर करना है और ट्रबल शूटिंग अटेंड करना है, मैं डिपो में काम करने के लिए आपको रेडी करके ही देना पड़ेगा। लेकिन मैं डिपो के काम के बारे में नहीं बता रहे हैं, मैं आपको सेक्शन में इस तरीके कुछ घटना हुआ काउ रन ओवर हुआ और पकड़ लीजिए ये जो मेन पाइप में जो अभी दिखाए है ये जो आपका बीपीएफपी का मेन पाइप इस तरफ से ब्रोकन हुआ, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, अब उस गाड़ी को डिटैच करना पड़ेगा या तो उसके पीछे कोई भी कोच एक लगा के मेरे को गाड़ी भेजना पड़ेगा। लेकिन इस डीवी पैनल बोर्ड को क्रॉस करने के बाद में अगर बीपी और एफपी मेन पाइप कहीं इस तरफ में ब्रोकन हुआ है तो आप सोच लीजिए, अब दिमाग लगा के देखिए कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। देखिए बीपी पे सर इधर आपको ब्रेक एक्सीलेटर गया, इसके बाद में इधर ब्रोकन हुआ, तो आप देखिए मेरा डीवी पैनल बोर्ड में उधर चले गए प्रेशर, क्योंकि मेरा प्रेशर उस तरफ से इंजन लगा हुआ आ रहा है, इधर आने के बाद में ये आपका छेद हो गया टूट गया तो इधर से हवा मेरा निकल जा रहा है, ये लास्ट व्हीकल है, ये इस तरफ से जाके लास्ट व्हीकल एंगल कॉक में जाएंगे, ठीक है, मेरा एंगल कॉक में जाने के बाद में अगर ऑपरेशन मेरा कुछ भी रुका है तो वाइटल ऑपरेशन नहीं होता है उतना, क्योंकि मेरा डीवी पैनल बोर्ड में अगर प्रेशर चले गया तो बाकी सभी आपका काम करना शुरू कर जाएंगे, तो मेरा गाड़ी में ब्रेक होंगे 100%। तो मैं अभी एक तो एग्जांपल दे रहा है कि ये पाइप इधर से टूट गया है तो मेरा प्रेशर ये बीपी प्रेशर इधर आ गया, इसके बाद में ये टी ज्वाइंट है, प्रेशर इधर भी जाएंगे, ब्रेक एक्सीलेटर भी काम करेंगे, मेरा इधर जो टूटा हुआ इस पार्ट में इस तरफ में जो टूटा हुआ है मैं इधर इसको डैमी लगा देंगे, देखिए इस पार्ट को खोलेंगे, इस पार्ट के बाद में इधर एक तो स्ट्रेट ज्वाइंट और दिख रहा है आपको, उधर से खोल देंगे, ये पाइप मैं निकाल देंगे, निकालने के बाद में इस जगह में मैं डैमी कर दूंगा, चाहे तो मैं उस स्ट्रेट ज्वाइंट में, देखिए इधर स्ट्रेट ज्वाइंट है, देखिए ये स्ट्रेट ज्वाइंट 28x28 मैं इस स्ट्रेट ज्वाइंट में भी इसको डमी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा हवा और नहीं निकल सकता है, लेकिन ब्रोकन अगर इस पाइप के अंदर में हुआ है तो मेरे को उसी पॉइंट पर अगला उसी पॉइंट में मेरे को डमी करना है, इसके बाद में अगर ये पॉइंट पार हुआ तो इसके बाद में भी मेरे को फिर से एक स्ट्रेट ज्वाइंट मिलेगा, उधर भी मैं डमी कर सकता है। मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि एक ही बात कि मेरा जो प्रेशर किस तरफ से आ रहा और मेरा डीवी पैनल बोर्ड पार होके ये जो आपका प्रेशर फॉल्ट हुआ है या तो ब्रेकेज ब्रोकन कुछ हुआ है, डीवी पैनल बोर्ड छोड़कर उसके बाद में, मतलब डीवी पैनल बोर्ड में हवा घुसने के बाद में हुआ तो आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं। 28x28 के स्ट्रेट ज्वाइंट जो है ये एपी प्रेशर में भी आपको मिलेंगे और बीपी प्रेशर के लिए भी मिलेंगे, बीच बीच में आपको उस पॉइंट को खोज लेना पड़ेगा, हर गाड़ी में एक ही पाइप से पूरा लाइन नहीं लगा रहता है, इस तरीका से बीच बीच में स्ट्रेट ज्वाइंट रहते हैं और जहां सप्लाई लाइन मेन टू ब्रांच होता है उधर टी ज्वाइंट रहता है, आप लोगों को मैं बता दे रहे हैं, आपको ऑपरेशन
मैं जिस तरीके से बोले हैं उस तरीके से आप अगर करेंगे तो जरूर आप सक्सेसफुल होंगे। और मेरा इधर अगर मैं डैमी करता है चाहे उधर, मेरा नेक्स्ट एंगल कॉक में मेरा प्रेशर नहीं जाएंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है उस एंगल कॉक में प्रेशर जाने का, क्योंकि गाड़ी मेरे को इधर से निकाल के, हाँ प्रॉब्लम कब होगा कि रेयर एसएलआर होने से या तो रेयर व्हीकल्स होने से इसके बाद में अगर इंजन रिवर्स होगा तो उधर आके प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप अपना सेक्शन क्लियर करिए, इसके बाद में कंट्रोल टू कंट्रोल ऑर्डर जाएंगे, उसके बाद में कंट्रोल काम करेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने ये जो हमारा जो सेक्शन ट्रबल शूटिंग में ये 28 mm के जो कैप आप लोग दिखते हैं, इस कैप को इस्तेमाल कहाँ कब और क्यों करेंगे, इसके ऊपर में मैं सारे आपको पॉइंट एक कोच में कहाँ कहाँ रहते हैं प्रेशर ट्रबल के लिए मैंने दिखाया है। शायद वीडियो आप लोग अच्छे लगे होंगे, अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कहीं और भी कहीं ये इस्तेमाल हो सकता है तो आप लोग मुझे बताइए कि एक जगह में आपका ये इस्तेमाल हो सकता है नहीं हो सकता, मैं इसके जवाब मैं और कोई वीडियो में दे देंगे। तब तक के लिए सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।